हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं लेट्स कुक विद मरियम। आज मेरे किचन में मिडल ईस्ट की एक बहुत मशहूर रेसिपी बन रही है जिसका नाम है फलाफल। आप इसको फलाफल सैंडविच भी कह सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम इसके इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो मैंने चने लिए हैं इसको मैंने रात को भिगो के रख दिए थे और अच्छी तरह से अब ये तैयार हो गए हैं। यहाँ पे मैंने लिए धनिया, पार्सले, प्याज, मैदा, हरी मिर्ची और तमाम मसाले। और आपने ये वाला फूड प्रोसेसर लेना है जिसमें हम इसको ब्लेंड करेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से चनों को वॉश कर लिया, इसको हम अब मशीन में डाल देंगे। अब यहाँ पे हम मशीन को 2 से 3 मिनट के लिए चलाएंगे। अब मैं यहाँ पे धनिया, पार्सले और प्याज को शामिल करूंगी और साथ इसको मशीन चलाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैं यहाँ पे तमाम मसाले और मैदा शामिल कर दूंगी इसके अंदर। सब कुछ शामिल करने के बाद हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए मशीन को चलाएंगे। अभी हमारा बिल्कुल पेस्ट तैयार हो गया है। इसको मैं आपको स्पून की मदद से दिखाऊंगी। ये इस तरह का पेस्ट बिल्कुल बन जाएगा और हम इसको दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इसको फलाफल बनाना शुरू करेंगे। आपने कबाब की शक्ल में ये फलाफल बनाने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं बनाने, छोटे और गोल से तरह के बनाने। मैं आप उसकी शेप दिखा देती हूँ। बिल्कुल इस तरह की शेप में आपने बनाने हैं और इसको बनाने के बाद आपने 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट बन जाए। और यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, हम उसमें ऑयल डालेंगे। अब यहाँ पे हम इसको डीप फ्राई करने के लिए ऑयल में डालेंगे। आपने 5 मिनट के लिए जो है वो एक साइड से फ्राई करना है, फिर इसको टर्न करना है तो इसका गोल्डन ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए। ज़्यादा नहीं एक साइड से ब्राउन करने, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए जैसे कि मेरे फलाफल का आया है।
अब ये फ्लॉफल बिल्कुल रेडी हो गए हैं, क्रिस्पी से सॉफ्ट से बने हैं। आपने भी ज़्यादा नहीं इसको फ्राई करना, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना आपने इसको, बिल्कुल लाइट था इस तरह का ब्राउन कलर होना चाहिए। और अब हम इसको सैंडविच में सर्व करते हैं। अब हम फ्लाफल सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मैंने पीटा ब्रेड लिया है ये होममेड है, साथ मैंने योगर्ट लिए है, मिंट योगर्ट है ये, और साथ हम मैंने लिए अरेबिन विनेगर पिकल्स लिए हैं जो बहुत मज़े के लगते हैं सैंडविच में। तो अब हम इसको बनाते हैं। अब हम यहाँ पे फ्लाफल के 2 पीस कर देंगे और हमारा फ्लाफल सैंडविच बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चाहे तो आप इसको बगैर ब्रेड के भी खा सकते हैं, योगर्ट के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा।